बेहद खुशी है फिर से एक और वीडियो के साथ ये एडिट वीडियो है बैच नंबर फोर का शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज और इस वक्त में आपके सामने ब्रदर सुमित सुरेश शिंदे हमारे बीच में मौजूद हैं जो बैच नंबर फोर के स्टूडेंट रहे और ये अपनी गवाही कि इन्होंने क्या सीखा है और कैसे सात दिन के शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ने इनके जीवन में प्रभाव डाला है जी ब्रदर सुमित जी, या जय मसीह मेरा नाम सुमित शिंदे है सुमित सुरेश शिंदे और मैं अहमद नगर से बिलोंग करता हूँ और आ, यहाँ पर जो सात दिन के लिए हम आए थे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बातें हमें सीखने के लिए मिली जो बाइबल की बातें थी जो हमें पता नहीं थी आज तक मसीह तो सत्रह बीस सात साल दो साल बहुत दिनों से थे पर जो बातें हमें सीखने मिलनी चाहिए थी पर वो नहीं मिली थी वो यहाँ आकर हमें पता चली जैसे कि अब्राहम के बारे में अब्राहम के बारे में हमें क्या पता था कि वो परमेश्वर ने उसको चुना पचहत्तर साल के उम्र में है ना ये इतना सब पता था कि उसके ऐसा का बैठा हुआ ये <coughs> इतना पता था पर उसको आग में भी डाला गया था ये नहीं पता था ये कहाँ पता चला यहाँ आकर सात दिन के बाइबल कॉलेज में आकर ही हमें पता चला तो आपको भी आना है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं पता अभी तक अभी जितने वीडियो देख रहे हैं आपको भी नहीं पता होगा आपको वो पता करने के लिए यहाँ पर आना होगा तो ये सारी बातें जान जानने के लिए कि बाइबल क्या है मसीह क्या है मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए मसीह का काम कैसे करना चाहिए सब सीखने के लिए आपको एक बार यहाँ आना पड़ेगा और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा पास्टर कह रहा है कि वो गलत है ये गलत है इधर उधर की बातें मत सुना करो अगर आपको पहचानना है कि सही क्या है गलत क्या है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा अगर आप बा, उनकी बातें सुनोगे तो वहीं तक रह जाओगे आप जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा और आपको पता चलने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा जी या ओके yeah, okay. uh, मैं आपको बता दूं कि सुमित आप इनको ये, ये भी बताओ आपका एज क्या है अभी सत्रह ओके एट द एज ऑफ सेवेंटीन आपने जो है बहुत छोटी उम्र में आप बाइबल कॉलेज को अटेंड कर लिए हैं आप सीख चुके हैं अब आप सोच के देखिए कि इनके आगे इनका जो लाइफ है अगर अभी सत्रह है इसमें और तीन डाले तो बीस हो जाएगा और आगे और डाल दो पचास यानी कि फिफ्टी थ्री ईयर्स का इनका लाइफ अभी है जी और इस फिफ्टी थ्री ईयर्स के लाइफ में अगर प्रभु तब तक नहीं आता तो की बात चल रही है और अगर प्रभु बीच में आता है तो वो बात अलग है लेकिन मैं समझता हूँ कि सत्रह साल का लड़का जिसके पास में त्रेपन फिफ्टी थ्री थ्रेपन फिफ्टी थ्री ईयर्स त्रेपन साल अभी भी हैं और अगर ये इस एज में ये बातें सीख जाता है आगे कई लोगों के जीवन के लिए एसिड है एसिड का मतलब होता है बड़ा प्रभावशाली यह इनवाइट करो जितने यूथ हैं लड़का लड़की थर्ड जेंडर आप यूथ हैं और आप कहते हैं कि यस डैनियल भाई अगर ऐसी बात है तो हम भी आना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो आप याद रखो कि यहाँ पे अब आप इनके मुंह से सुनोगे तो मैं चाहता हूँ एज अ यूथ आपका दिमाग अभी क्या है एज अ यूथ आप पूरे भारत को या मसीह समाज को कैसे देखते हो uh, पाप के क्षेत्र में संसारिक जीवन के क्षेत्र में फिर जो यहाँ पे आपने चीज़ें देखी है पवित्रता का बात डर का बात परमेश्वर के साथ में काम करने का बात प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा बात करें uh, अभी आप अगर मेरी उम्र के कोई यूथ्स देख रहे लड़का लड़की जो भी है ठीक है ना अभी हमारा दिमाग कैसा होता है अभी हम जवान हैं तो हमारा दिमाग दिमाग है ना पूरी दुनिया में घूमता फिरता है कि ये करे वो करे ऐसा करे ऐसा बोले तो जो हमारे जीवन है ना वो पूरा ट्रैक के बाहर भी चला जाता है कभी कभी मतलब दिमाग एकदम बाहर चला जाता है हमें खुद को संभालना पड़ेगा जैसे पास्टर ने कहा हम एसिड हैं आपको पता है एक बूंद भी अगर एसिड गिरा वो जला के राख कर देगा उस चीज़ को है ना तो खुद को ऐसा देखो कि हम बहुत खतरनाक है देखो गलत रास्ते पर चले तो गलत रास्ते को ही सपोर्ट करोगे तुम right. और सही रास्ते को सपोर्ट करोगे या उसमें चलोगे तो उसी को सपोर्ट करोगे राइट right? तो मैं अभी अभी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे सही रास्ता मिल मिल चुका है अभी बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जिनको नहीं मिला अभी तक तो आपको क्या करना है अभी मेरी मैं कह रहा हूँ तुम तो, हमको क्या करना है हमको सही प्रचार करना है तभी तो यूथ बचेंगे नेक्स्ट जनरेशन बचेगी अगर हम ही तैयार नहीं होंगे तो उनको कौन सिखाएगा है ना तो हमें बचना चाहिए बचना पड़ेगा और आप जब सीख रहे थे तो आपको कैसा लगा ऐसा यूथ के परमेश्वर का डर कितना जरूरी है परमेश्वर की पवित्रता कितनी जरूरी है जरा वो भी बताएं क्योंकि मसी यूथ की बात कर रहे हैं अविश्वासी यूथ की बात जी। नहीं कर रहे हैं हम मसी समाज के जवानों की बात कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ संसार उनमें मिल चुका है जबकि इनको संसार में जाना था जबकि संसार आ गया है इनमें इनमें उसके ऊपर थोड़ा बात करें और यहाँ पे आपको जी, उसका कैसा जी, सीख, जी। सीख मिला तो जो डर परमेश्वर का हमारे अंदर होना चाहिए वो बहुत होना चाहिए क्यों क्योंकि जब तक डर नहीं आएगा तब तक हमें सही और गलत का पता नहीं चलेगा हम अगर डर डर ही नहीं है तो गलत पर गलत गलत पर गलत, पर गलत करते जाएंगे और जो पवित्रता होलीनेस हमारे अंदर होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए क्यों क्योंकि होलीनेस से ही यूथ बचेंगे और बातें पता चलेगी पवित्र आत्मा काम करेगा तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए ओके okay, सुमेत अभी क्योंकि आप यंग हो और आप उस जीवन को जी रहे हो जिसको आज के युग में ये बाहर वाले जो सेकुलर वाले वो कहते हैं जेन जी जनरेशन जेन जी जनरेशन ठीक है जेन जी जनरेशन है आप लोग कोई बात नहीं बट सुमेत आप इनको ये भी बताओ कि आपने यहाँ पे क्या सीखा है गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड और फिर उसके बाद में है ना जो शादी के पहले जो रिश्ते होते हैं जिसको कहते हैं शारीरिक संबंध उन सब के बारे में भी आजकल संसार में ऐसा हो गया है कि कॉमन है हुँ. अरे चलता है मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करें तो जो यूथ होते होते ना उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जैसे कि मैंने बता दिया तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमें नहीं रखना है ठीक है ये बात क्लियर कर रहा रो कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के जीवन में ये सारी बातें नहीं चलेगी आपको अगर ये करना है तो आपको परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा सीधी बात अगर आपको परमेश्वर को पकड़ना है तो इन सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो जवान होते हैं ना उनके दिमाग में बहुत सारी चल रही होती है क्योंकि मैं जवान हूँ अभी यूथ हूँ तो मेरे को पता है कि कैसा जीवन होगा उस दिन या आपके साथ जो जवान है तो आपको है ना माइंड है ना जो माइंड है आपका वो फ्रेश रखना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर ही आपको आगे का जो पैर है ना वो रखना पड़ेगा आपको या ओके थैंक यू सुमित प्लीज़ बैठिए और मैं कुछ चीज़ें आपको आ, इसमें ऐड कर देता हूँ और वो ये है हम पर अगर हम परमेश्वर में हैं तो हम संसार की कॉपी नहीं कर सकते जो संसार में है वो कितने विश्वास यूँ रहते हैं विश्वास योग्य कि हम संसार को ही कॉपी करेंगे मसीह में आने वाले मसीह के प्रति विश्वास यूँ क्यों नहीं रहते या विश्वास योग्य क्यों नहीं रहते कि वो मसीह को कॉपी करें संसार को कॉपी क्यों मसीह में होकर संसार को कॉपी नहीं करना है वो संसार में होकर वो संसार को ही फॉलो करते क्योंकि वो वहाँ कमिटेड रहते हैं अगर आप यहाँ कमिटेड है तो वहाँ क्यों अपना पैर डाल रहे हो सो सुमित के लाइफ से अगर आपने अभी सुना है उसको तो आप देखिए कि जस्ट पंद्रह साल का लड़का है हो माफ़ करना सत्रह साल का लड़का है हो अगर उसके दिमाग में उसके जीवन में अगर ये प्रभाव आ सकता है तो मैं वेलकम करता हूँ कि जितने भी यूथ्स है मुंबई से, से महाराष्ट्र से भारत के आप किसी भी कोने से यहाँ पे आइए और सात दिन आप यहाँ पर सीख सकते हैं आपकी रहने की खाने की पीने की सारी सुविधाएँ आपको जो है यहाँ पे दी जा रही है ओके सो so, मैं समझता हूँ कि सुमित के जीवन में जो बातें हुई हैं उससे आपने बहुत कुछ सीखा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में अपना ख्याल रखें जय मसी